नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गूगल एड्स से अपने वीडियो को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, या इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर आपके यूट्यूब चैनल पे व्यूज नहीं आ रहे हैं तो और किसी भी वीडियो पे व्यूज नहीं आ रहे हैं तो आप किस तरह से अपने वीडियो पे व्यू ला सकते हैं गूगल एड्स की मदद से। 1,40,000 जो है, 40,000 से 4,10,000 तक एक वीक में जो है इंप्रेशन जाएगा, उसमें से आपको 4,000 से 16,000 तक व्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ। चलिए दोस्तों, आज की भी इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे और आपको बताएंगे किस तरह से आप गूगल एड्स का उपयोग करके भी अपने यूट्यूब वीडियो पे व्यू ला सकते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि गूगल एड्स यूट्यूब पर दिखाता कैसे है। तो यहाँ देख, जैसे आप यूट्यूब ओपन करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे अभी प्रोसेस होगा। तो जैसे आप ओपन करते हैं तो इस तरह से गूगल एड्स ही देख पा रहे होंगे। यहाँ पे बहुत सारे जो कि गूगल एड्स के थ्रू चलाए जाते हैं, तो इस तरह से आपका भी वीडियो रैंक कराया जाएगा, जैसे ये देख पा रहे होंगे। या कोई भी वीडियो यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, देख पा रहे होंगे यहाँ पे इस तरह से दूसरे या तीसरे नंबर ये ऊपर दिख रहा है, इस तरह से आपको वीडियो दिखाया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं किस तरह से आप लगा सकते हैं। तो यहाँ से आ जाना है, बैक बैक आने के बाद आपको चले जाना है गूगल पे। गूगल पे जाने के बाद आपको सर्च कर लेना है यहाँ पे गूगल एड्स। जैसे आप यहाँ पे गूगल एड्स सर्च करेंगे तो यहाँ पे सर्च कर देना है। जैसे गूगल एड्स सर्च करेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे हो ऊपर पे आ जाता है गेट गूगल एड्स का ऑप्शन। गेट गूगल एड्स पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, थोड़ी देर यह प्रोसेस करेगा इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ अगर आप 60,000 रुपये ऐड करते हैं तो 1,20,000 आपको क्रेडिट मिलेगा। आप चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे स्टार्ट नाउ का ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ से आप अपना ये चाहे तो चैनल बदल सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कुछ तरह से प्रोसेस करेगा। यह हमारा पहले से अकाउंट बना हुआ है, तो हमको अगर आपको नया अकाउंट बनाना है तो यहाँ पे न्यू गूगल एड अकाउंट पे क्लिक कर देना है। अगर आपके पास भी बना है तो यहाँ से देख सकते हैं, हम अभी आपको बता रहे हैं कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे न्यू गूगल एड अकाउंट पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे ऐड करेंगे यहाँ पे क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ जाता है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, कुछ इस तरह से प्रोसेस करेगा। जैसे प्रोसेस खत्म होगा तो इस तरह से खुल के आ जाएगा। यहाँ पे ये आपको नंबर दिख रहा होगा, यहाँ से आप जो है कॉल करके भी पता कर सकते हैं उनसे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा योर बिजनेस नेम, योर बिजनेस नेम पे आप चाहें तो, अगर आप यूट्यूब चैनल चला रहे हैं तो अपने यूट्यूब चैनल का नेम डाल दीजिए। यहाँ पे मैं अपने यूट्यूब चैनल का नाम डाल दे रहा हूँ, मैंने यूट्यूब चैनल का नाम डाल दिया। और आप अपने यूट्यूब चैनल का नाम डाल दीजिएगा, तो यहाँ पे जैसे नाम डाल दीजिएगा तो यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। नेक्स्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, कुछ इस तरह से प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे वेबसाइट, यहाँ पे योर वेबसाइट का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पे योर वेबसाइट पे आपको अपने चैनल का लिंक डालना है। तो हम चलिए अपने चैनल का लिंक कॉपी कर लेते हैं पहले। जैसे सर्च करेंगे तो हमारे यही ऊपर आ जाता है, तो यहाँ पे हम शेयर पे जाके कॉपी लिंक कर लेंगे। बैक आ जाके यहाँ पे हम अपना लिंक ये डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिंक डालने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो फिर से कुछ प्रोसेस करेगा। और प्रोसेस होने के बाद आगे आपको बताते हैं किस तरह से आप, तो देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमारा चैनल दिखा रहा है कि इस तरह का हमारा चैनल है। तो यहाँ पे हमको ये नेक्स्ट कर देना है। फिर से नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों, यहाँ पीछे आप अपने वीडियो का भी लिंक डाल सकते हैं चाहे तो। यहाँ पे आपको अगर वेबसाइट, अपना वेबसाइट को जो है आगे दिखाना है या व्यूज लेना है, तो यहाँ पे अगर आपको व्यूज लेना है तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे गेट मोर व्यू एंड एंगेजमेंट ऑन यूट्यूब, इस पर आपको क्लिक कर देना है।
यहाँ से क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट का ऑप्शन आ मिलेगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे ड्राइव वीडियो व्यू एंड ट्रैफिक वेबसाइट पे से चाहते हैं अपने चैनल योर चैनल पे चाहते हैं, तो हमको चैनल पे चाहिए तो हम यहाँ नीचे वाले पे क्लिक कर दें। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वीडियो का यूआरएल डालना है, जो कि कोई भी वीडियो जो आप चाहते हैं कि जिससे आपको व्यू चाहिए तो ये उसको भी हम यहाँ से निकाल लेते हैं। चलिए हम चले जाते हैं अपने YT स्टूडियो पे। वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम अपना वीडियो का यूआरएल डाल देते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे हम यूआरएल डालेंगे तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हमारा वीडियो यहाँ पे दिखने लगा है। और यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कौन सा इसको दिखाना चाहते हैं, इसको यहाँ पे हमको यही दिखाना है तो यहाँ पे हमको क्लिक कर देना है। यहाँ पे टाइटल जो है, हेडलाइन जो यहाँ पे दिखता है वो ऊपर टाइटल दिखता है, यहाँ पे टाइटल आपको 100 वर्ड डाल सकते हैं। दूसरा आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालना होता है, 2 डिस्क्रिप्शन अनिवार्य होते हैं। इसके अलावा आप तीसरा भी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन डाल देना है वीडियो से रिलेटेड। यहाँ पे हम डाल देते हैं व्यू कैसे बढ़ाए, यहाँ पे हमने डाल दिया और यहाँ पे डाल देंगे और यहाँ पे हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे देख पा रहे होंगे लोकेशन यहाँ पे दिख रहा है, आप कहाँ कहाँ पे दिखाना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हमारा इंडिया कंट्री सिलेक्ट है, इसके अलावा और भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमको नहीं सिलेक्ट, केवल इंडिया दिखाना है, यहाँ पे हम इंडिया ही रखेंगे। तो यहाँ पे लैंग्वेज आप कस्टमर जिसको आप दिखाना चाहते हैं किस भाषा में बता रहे हैं तो वो आप लैंग्वेज यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे हम लैंग्वेज पे चलेंगे, यहाँ पे इंग्लिश है, इसके अलावा हम हिंदी यहाँ पे सिलेक्ट करके हम देख लीजिए। यहाँ पे हमने 2 भाषा का उपयोग कर लिया, उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं इम्प्रेशन इतना जाएगा और व्यूज इतना जाएगा। अगर आपका 1,40,000 जो है, 40,000 से 4,10,000 तक एक वीक में जो है इम्प्रेशन जाएगा, उसमें से आपको 4,000 से 16,000 तक जो है व्यूज आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है और भी आगे बताते हैं आपको प्रोसेस यहाँ पे किस किस को दिखाना है। देख लो जेंडर दिखा रहा है, जेंडर पे आप मेल फीमेल पे कर सकते हैं। यहाँ पे एज आप चेक कर सकते हैं किस किस एज पे आपको दिखाना है, तो जिस एज का आपका वीडियो, जैसे आप अगर आप किसी जो है एजुकेशन से रिलेटेड है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट 18 से 34 साल तक कर सकते हैं, 18 से 24 और 25 से 34 ये सिलेक्ट कर दिए। अगर आपका और भी ज़्यादा टेक वगैरह का है या गेमिंग का है तो आप 45 से कर सकते हैं या 54 तक भी कर सकते हैं, क्योंकि 54 वाले में बहुत कम चांस है। तो आप यहाँ पे हम चाहेंगे कि आप 44 तक ही रखिए, ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पे भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन हमने सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे भी आपको फिर से सेम वही प्रोसेस रहेगा, यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारे जैसे जैसे आएंगे तो ये काम होता जाएगा, क्योंकि हमने एज जो है कम किया है, बहुत सारी चीज़ें कम की है तो जो है ये इम्प्रेशन कम हो जाता है। यहाँ पे फिर से हमको नेक्स्ट कर देना है, जैसे हम नेक्स्ट करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे सर्च इंजन आ रहा है, यहाँ पे हमको यूट्यूब डाल देना है, यूट्यूब वीडियो डाल देना है, यूट्यूब तरह से यहाँ पे जिससे हम डन कर देना है। यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे और भी और कहाँ पे दिखाना चाहते हो वह यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे इतना करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे यहाँ पे बजट कितना आप दे रहे हैं, कम से कम आपको 350 रुपये का लगाना होता है, उसके बाद ही यहाँ पे आप रन करवा सकते हैं। यहाँ पे चाहते हैं कि आप मतलब जितना पैसा लगा दिए पूरा एक साथ में आ जाए तो यहाँ पे ऊपर वाले पे रखिए, नहीं तो आप यहाँ पे डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे आप मान लीजिए कल के लिए लगा देंगे, कल 22 तारीख से लगा देंगे, यहाँ पे आप पैसे भी अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ आपको पूरा प्रोसेस
प्रोसेस दिखा दिया जाएगा कि किस तरह से आपको देना है। तो यहाँ पे गो टू बिलिंग पे ऑप्शन मिल जाएगा, गो टू बिलिंग पे चले जाना है। जैसे आप गो टू बिलिंग पे जाएंगे तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे हमारा जो है इंडिया दिखा रहा है, टाइम दिखा रहा है। यहाँ पे अप्लाई अगर कोई कोड है आपके पास तो आप यहाँ पे कोड अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये देख पा रहे होंगे पूरा अकाउंट बना हुआ है, अगर चाहे तो आप चेंज भी कर सकते हैं इसको। यहाँ पे आपका अगर कोई कार्ड लग पड़ा होगा तो यहाँ पे कार्ड पेमेंट कर सकते हैं, नहीं तो पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे चूज कर सकते हैं। देख पा रहे होंगे पेमेंट या जिस तरह से आप करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे हम कार्ड वाले पे ही किए हैं, पे हम सबमिट कर देते हैं। जैसे आप सबमिट कर देंगे दोस्तों तो ये आपका प्रोसेस होने लगेगा। थोड़ी देर प्रोसेस करने के बाद बताते हैं, यहाँ पे आपको वेरीफाई कर देना है। जैसे आप यहाँ पे वेरीफाई कर देंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बिलिंग वाला ऑप्शन आ गया है, तो वहाँ देख पा रहे होंगे हमारा ओटीपी आ जाएगा। यहाँ पे आपको ओटीपी करके यहाँ पे सबमिट कर देंगे। जैसे आप यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो आपका जो है लग जाएगा। तो आगे दिखा देते हैं आपको किस तरह से लगेगा, लगा हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे जब भी आप लगाएंगे यहाँ पे इस तरह से देख कैंपेन करके दिखेगा। यहाँ पे हमने इतने सारे वीडियो लगाए हैं, यह भी हमारा एक्टिवेट है, बाकी सारा डीएक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे हमने 80 रुपये में 200 कुछ व्यूज जो है किया है, 8000 इम्प्रेशन किया है। यहाँ पे पर व्यूज हमको 30 पैसे पड़ा था, यहाँ पे इस वाले पे हमको पर व्यूज जो है 42 पैसे पड़ा है। इसी तरह से ये जिसमें हमने किया है वो आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे 69 रुपये का हमने किया है जो कि 35 पैसा पर व्यूज पड़ा है, और यहाँ पे ये वाला 64 रुपये जो है ये 35 पैसा कुछ भी पड़ा है, और ये भी 35 पैसा पड़ा है। तो इस तरह से जो है इम्प्रेशन आपके बढ़ जाएंगे, जिससे आपका क्लिक थ्रू रेट भी बढ़ेगा, उसी हिसाब से आपका बैलेंस वहाँ से कट जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।